जहां पर पुष्कर सिंह धामी जीत के बाद अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। इन दोनों के बीच में चपावत आता है, इस क्षेत्र में काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम करना है। आदरणीय योगी जी उस दिन कह रहे थे कि 5 सालों में मैं निर्वाचन क्षेत्र पर, मेरा गोरखपुर, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले का क्या था और 5 साल बाद क्या हो गया। निश्चित रूप से चंपावत हमारा भारत के नक्शे पर आएगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है, आज देश का जो चहुमुखी विकास हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, अपने 8 सालों में देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है, एक नई कार्य संस्कृति आई है, एक नया कार्य व्यवहार आया है, एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है और ऐसा वर्क कल्चर है जिसमें सभी को काम करना होगा। आज भारत की जो वैश्विक ताकत है वो भी बड़ी है, आज भारत की जो आर्थिक नीति है वह भी बड़ी है, विदेश नीति भी बड़ी है, हर क्षेत्र में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के सामने बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत अब एक शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जा रहा है, जिसकी हम कल्पना करते थे कि भारत शक्तिशाली बनेगा, भारत वैभवशाली बनेगा, भारत गौरवशाली बनेगा, उस दिशा में मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले आप देखते होंगे आए दिन कभी घोटाले होते थे, और उन घोटालों की हम बात करें, चंद्रकिशोर बोरा जी भी यहां पर है, हरगोविंद बोरा जी हमारे, ऐसे तमाम घोटाले कभी देखते थे, दूरसंचार का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे हम कोयले का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो रहा है, कभी हमारे जो बड़े बड़े कॉलोनियां हैं आवास की, मुंबई में घोटाला हो रहा है, प्लॉट्स के घोटाले हो रहे, एक के बाद एक घोटाले, जमीनों के घोटाले, खदानों के घोटाले, घोटालों पर घोटाले। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। पहले जो नीतियां बनती थी वो नीतियां केवल कुछ लोगों के लिए बनती थी, जो काम होते थे, जो कार्यक्रम बनते थे, कुछ विशेष लोगों को ध्यान में रख के बनते थे। आज देश के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो केवल और केवल गरीबों को ध्यान में रखकर हो रहे हैं। आप देखिए जनधन में कितने खाते खुल गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने हमारे गरीब परिवारों को आवास मिल गए, उज्ज्वला में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गैस के सिलेंडर मिल गए, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में, उत्तराखंड के अंदर 5.5 लाख लोगों का इलाज अभी तक हो चुका है। ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना भी कर दिया जाए उसे पूरा होने वाला नहीं है। संपूर्ण जीवन भर चंपावत अब मेरे हृदय में रहेगा, मुझे चंपावत के हृदय में रहेगा। आज प्रातःकाल मुझे अपने पूज्य पिताजी की याद आ रही है, जब मैं उनके साथ कई बार चंपावत आया, और आज जब कैप्टन भालीचंद जी ने बनबसा में मुझे, वो 15 महारेजिमेंट में थे, महारेजिमेंट की जब उन्होंने मुझे कैप लगाई तो मैं बहुत भावुक हो गया। मुझे याद आने लगी अपने पिताजी की, हम कैसे कैसे चंपावत से पिथौरागढ़ जाते थे, या पिथौरागढ़ से चंपावत होते हुए कैसे हम टनकपुर और बनबसा होते हुए कटिमा पहुंचते थे। भाइयों बहनों, ईजा बचपन में कहती थी कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और आज आप लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया। धामी।
वो बचपन की बात आज मेरी माँ की सच हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन में जहां भी रहूंगा, जिस स्थिति में रहूंगा, मैं हमेशा चंपावत के लोगों के दिल में रहूंगा। हमारे कैलाश दा ने बहुत बड़ा त्याग किया और आप लोग पूरे चुनाव के दौरान मैंने देखा सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक दिन तो मैं इनके यहाँ रात में पहुंचा 11 बजे, तो इन्होंने खाना भी नहीं खाया। तब मैंने कहा खाना कब खाओगे, तो बोले अभी बहुत लोग मिलने वाले हैं, खाना बन रहा है, सब मिलकर खाएंगे। अगले दिन मैंने पूछा सवेरे फोन किया, तो कहने लगे कि रात में 9 लोग मेरे कमरे में सोए थे। कोई शिकायत नहीं करी हमेशा। 21 अप्रैल को हम लोग जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, इनको यहाँ छोड़ के गए थे गुरु गोरखनाथ में, उस दिन से लेकर ये आज तक घर भी नहीं गए, बरबसा कैंप कार्यालय नहीं है। भाइयों बहनों, आप सभी लोगों ने इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है, ऐसे हमारे सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। हम लोग बार बार मिलते रहेंगे और अपने क्षेत्र की समीक्षा करते रहेंगे, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम होंगे उन सभी कामों को करेंगे। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए आप सबका हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुष्कर सिंह धामी चंपावत के चैंपियन, 57,268 वोट मिले और चौमुखी विकास की बात की, जनता को संबोधित किया और जीत पर आभार भी जताया और साफ तौर पर कहा कि चंपावत को जो अब वहां की जनता का जो स्नेह जो प्यार उन्हें मिला है, अब चंपावत को विश्व के जो नक्शे पर लाने का एक लक्ष्य रखा है और निश्चय ही वो दिन बहुत जल्द ही आएगा। तो चंपावत के चैंपियन सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर जीत दर्ज की और किस तरीके से उन्होंने जो एक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की, 52,121 वोटों से ये जीत दर्ज की है। चंपावत के चैंपियन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जीत दर्ज कराई और उसके बीच जनता के पास पहुंचे और जनता का आभार भी जताया वहां की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो विकास है, जो विकास की जो गंगा बहेगी, वो किस तरीके से देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से अब आगे ले जाना है इस विकास के रथ को। तो 52,121 वोटों से जीत दर्ज की चंपावत के चैंपियन पुष्कर सिंह धामी, तो जनता का आभार जताया, लोगों में भी खुशी साफ तौर पर नजर आ रही। वहीं वाराणसी में ज्ञान व्यापी को लेकर काशी में धर्म परिषद का आयोजन शुरू।